कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि विपक्ष व इंडिया पर कोई टिप्पणी करने से पूर्व भाजपा को मणिपुर की घटना पर बोलना चाहिए। यदि वह नहीं बोलते हैं तो समझ लेना चाहिए कि मणिपुर RSS व भाजपा की विभाजन नीति के कारण चल रहा है। जहां तक बात लोकसभा चुनाव की है तो इस बार जनता देखेगी कि एक ओर वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं तो दूसरी ओर वो लोग खड़े हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं। वे लोग डरे हुए हैं, खिसिया चुके हैं। मेरठ के किठौर में हुई घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि भाजपा कुछ भी कर सकती है। एक मुद्दा दबाने के लिए वह दूसरा ला सकती है। मेरठ पहुंचे अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिन कांवड़ियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूल बरसाते हैं उनकी करंट लगने से मौत हो जाती है। उनके आश्रितों को कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। बीजेपी को घबराहट इस बात की है कि इस बार जनता तय ये करेगी। एक तरफ तो वो लोग दिखाई देंगे जो भारत और भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो जो लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं वो डरे हुए लोग हैं और डरे हुए लोगों की भाषा बदलती है। जो लोग खिसिया जाते हैं भाषा उनकी बदलती है। जो आज तक नफरत की राजनीति करते आए और नफरत की राजनीति का कोई एक जगह का उदाहरण मैं दूँ, मणिपुर जो जल रहा है वो RSS की विभाजनकारी नीति और भारतीय जनता पार्टी ने वोट की राजनीति जो की उसकी वजह से आज प्रदेश वो जल रहा है। क्या हम और आप कल्पना कर सकते हैं जिस भारत को हम भारत माँ बोलते हों, धरती माँ बोलते हों, गंगा माँ बोलते हों, यमुना माँ बोलते हों और माँ का जो स्थान हमारे समाज में सबसे ऊपर है, क्योंकि माँ न केवल हमें जन्म देती है बल्कि माँ हमें आगे बढ़ाने की शिक्षा भी देती है। और सोचिए दो बहनों की, माताओं की जिस तरीके से तस्वीर आई, वीडियो आए, क्या कोई आज सभ्य समाज में स्वीकार कर सकता है कि महिलाओं के कपड़े उतार दिए जाएं? इंडिया पर बोलने से पहले और विपक्ष पर बोलने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात मणिपुर में जिस तरीके से बेटी और माँ को नंगा किया गया और बिना कपड़े के घुमाया गया उस पर कहनी चाहिए बात। और अगर उस पर बात नहीं कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि रणनीति इस तरह का जहर घोल दें कि जिससे कि पूरा का पूरा बंटवारा दिखाई दे वहाँ पर। दुख है इस बात का कि अगर इस तरह का वीडियो आया है और वीडियो की जाँच होनी चाहिए, कौन लोग हैं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं ये भी सावधान रहना, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए कोई दूसरा मुद्दा उछाला जा रहा हो। मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते, अगर मुख्यमंत्री जी कुछ जानते होते तो वो जो म्यूज़ियम था, मैं पत्रकार साथियों सब नए लोग हो आप, नए लड़के हो और शायद मुख्यमंत्री गूगल से कोई चीज़ सर्च नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये जानता हूँ यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी खड़े हैं वो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जो वो म्यूज़ियम बन रहा था वो म्यूज़ियम इसलिए बन रहा था कि हमारा टूरिज़्म को बढ़ाया जाए। जो लोग ताजमहल देखने आते हैं उन्हें कम से कम मुग़ल सम्राट के समय पर या मुग़ल म्यूज़ियम के बहाने पूरे भारत की संस्कृति को बताया जाए, भारत की मिली जुली संस्कृति से परिचय कराया जाए, भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है उससे परिचय कराया जाए। और जिस आर्किटेक्ट ने वो म्यूज़ियम डिज़ाइन किया था उसे यूरोप का 2023 का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। सोचो यूरोप का जो सबसे बड़ा अवार्ड आर्किटेक्ट को मिलता है, उस आर्किटेक्ट ने आकर के आगरा में डिज़ाइन किया। वो मुग़ल म्यूज़ियम इसलिए था क्योंकि ताजमहल से जुड़ा था, लेकिन उस म्यूज़ियम के अंदर जो संदेश था वो गंगा जमुनी तहजीब का था, मिली जुली संस्कृति का था, भाईचारे का था। और फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मैंने आज अखबार में पढ़ा कि शिवाजी से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। अरे उनकी माताजी से हमारा उनसे ज़्यादा गहरा रिश्ता है। और मैं ये बात कहूँगा आपसे कि आप भी वो बात गूगल ज़रूर करें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ,
तो ये बीजेपी के लोग वो हैं जिन्हें काम नहीं करना। अभी मैं आ रहा था मेरठ से करनाल रोड, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की सड़क थी, इन्होंने NHAI को दे दिया, अब आपकी जेब खाली होगी, टोल लगेगा कि नहीं लगेगा। और इस सड़क पर नई ट्रैफिक व्यवस्था दिखाई दी मुझे, सांडों की एक झुंड बना के सांड बैठे हुए थे। वो ये बता रहे थे कि आप स्पीड ज़्यादा तेज मत करो, अगर की तो आपकी जान चली जाएगी। और मुझे याद है वो दिन जिस समय एक बैंक का अधिकारी और कर्मचारी की सांड से टकरा करके जान गई थी और यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था, और जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने उठाया वो भी आज तक नहीं ख़त्म हो पाया। तो महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोज़गारी पे बात नहीं करेंगे, क्या बात करेंगे वो आप जानते हो। देखिए 24 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में इंडिया गठबंधन सफाया करेगा। और इंडिया का मतलब क्या है, डी का डेवलपमेंट मान लो, डेमोक्रेटिक मान लो, और सबसे बड़ी बात है इंक्लूसिव है, जो ये बात कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या इस इंडिया में इंक्लूसिवनेस की बात नहीं हुई? और वो इंक्लूसिवनेस जो अंतर्राष्ट्रीय गोल होते हैं उस पर मुख्यमंत्री जी ने बहस की थी विधानसभा में, याद करो जक्कर करके। तो इंक्लूसिव बात कर रहे हैं, सबको जोड़ के चलना चाहते हैं, सबको खुशहाली के रास्ते पर लाना चाहते हैं। अगर इंडिया का मकसद ये है कि हमारी मिलीजुली संस्कृति, इंडिया का मतलब ये कि भाईचारा के हमारा संदेश, अगर इंडिया का मतलब ये है कि हम साथ लेकर के सबको चलेंगे, तो बीजेपी को किस बात की घबराहट है? 24 में एक ही मुद्दा रहेगा, बीजेपी को हटाओ, इंडिया जिताओ। UCC क्यों कहते हो आप? UCC के खिलाफ हैं हम लोग, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है PDA। PDA क्या है? पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों को कौन पूछ रहा, कौन सम्मान दे रहा है? PDA बड़ा मुद्दा है, PDA का मुकाबला बीजेपी नहीं कर सकती, ना इंडिया का मुकाबला कर सकती बीजेपी, ना PDA का। आप लोग उस क्षेत्र के हैं जहां गन्ने का इलाका है, बताओ भुगतान हो गया क्या? इन्होंने वही कहा था कि हम आय दोगुनी कर देंगे, सुनने में आ रहा है हिंडन में पानी भर रहा है, यमुना में पानी उफान मार रहा है, तो ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया हमने, पानी भरा हुआ है निकाल नहीं पा रही सरकार पानी, बताओ जो सरकार भरे हुए पानी को नहीं निकाल पा रही है वो क्या दुनिया में आगे बढ़ेगी? और फिर बेच रहे हैं CSC, बेच रहे हैं ये लोग CSC, अभी CSC बेच रहे हैं फिर अस्पताल बेच देंगे। एक भी सरकार ने जिला अस्पताल नहीं बनाया जिस जिला अस्पताल में गरीब का इलाज हो पाए। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि डेयरी बेच रहे हैं ये लोग, जो डेयरियाँ मुनाफे में चली जाती वो डेयरियाँ बेच रहे हैं, तो कैसी सरकार है ये? इतनी निरंकुश पुलिस कभी नहीं हुई होगी जितनी आज हमें देखने को मिल रहा है, और इतना करप्शन पुलिस या विभागों में कभी नहीं हुआ होगा जो आज हो रहा है। बीजेपी की सरकार ने, इन्हीं के विभाग ने ये जानकारी हासिल करने का काम किया कि कौन सा विभाग सबसे ज़्यादा करप्ट है, तो पता लगा पुलिस विभाग सबसे ज़्यादा करप्ट है। सरकार आकलन कर रही है और सरकारी जानकारी कर रही है, तो ये जो व्यवहार बातचीत भाषा या पुलिस को जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर रही है, बाकी सब काम पुलिस कर रही है। अरे यहाँ पर तो आपको जिन कांवड़ियों पर मुख्यमंत्री जी फूल बरसाए हों, जिन कांवड़ियों को हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया गया हो, उनकी जान चली गई, क्या 1 करोड़ और सरकारी नौकरी नहीं सरकार को देनी चाहिए? सर राली चौहान जाएंगे आप और धनपुर भी जाएंगे, क्या कहेंगे इन सब मृतकों के परिवार के लिए? दुख है इस बात का कि उन्होंने परिवार के सदस्यों को खोया, और मैंने जैसा कहा कि कांवड़ियों की जो जान गई है वो सरकार की लापरवाही थी, बिजली विभाग की लापरवाही थी। इनके परिवार को 1 करोड़ और सरकारी नौकरी सरकार को देनी चाहिए, और इसलिए देनी चाहिए क्योंकि जब फूल बरसाते हैं आप, उनका सम्मान करते हो, आज उनके परिवार का सदस्य उनके बीच नहीं है, तो कम से कम आपको उन परिवारों को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री पढ़ाने नहीं चाहते, वो तो जन कौन सी भाषा लिख रहे हैं? अरे जिस मुख्यमंत्री ने सबसे ज़्यादा नाम बदले हों वो कहता हो नाम में क्या है, हम भी तो कहते हैं नाम में क्या है, आपका योगा देखा नाम में क्या है, आप ऐसे ही लोग हैं, नाम जरूर रखेंगे आप लेकिन योगा नहीं जानते आप। कैसे सरकार डगमगा रही थी याद है, योगा करते हुए पूरी सरकार डगमगा रही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार। FirstBite की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।